हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं सीख रहा हूँ हाउ टू डू अ फ्लेयर। मैं क्यों सीख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कूल लुकिंग एक्सरसाइज और शो ऑफ करने के लिए काफ़ी काम आती है। और जितने भी आप ट्यूटोरियल देखते हैं यूट्यूब पे कि एक हफ्ते में फ्लेयर सीख जाइए, या इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती हैं, या फिर 10 मिनट में फ्लेयर सीख जाइए, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे 2 हफ्ते हो चुके और अभी भी आप देख सकते हैं मेरी प्रोग्रेस कितनी है। जो मेरी पहली वीडियोज़ थी, जो फर्स्ट डे की, सेकंड डे की, वो मैंने अपने फ़ोन के कैमरा में बनाई हुई है, जो कि मैं आपके साथ इस पर भी दिखा दूंगा आपको कि मेरे फर्स्ट डे में मैंने कैसे शुरुआत करी, मैं 2 हफ्तों में कितनी प्रोग्रेस हुई है मेरी। और ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे प्लेयर सीख रहा हूँ, मैं किन चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। क्योंकि अभी से अगर मैं ट्यूटोरियल बनाने लग गया तो वही बात होगी, गरीब सिखा रहा है कि पैसे कैसे कमाएं। तो सबसे पहले आप ध्यान रख रहे हैं कि आप सही तरीके से वार्म अप हो रहे हैं, अपनी रिस्ट को सही तरीके से वार्म अप हो रहे हैं, वरना आपके इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं और आप सही तरीके से प्लेयर को कर भी नहीं पाएंगे। और कुछ प्री रिक्वेजिट्स, यानी जो आपको पहले अगर आप कर सकते हैं, वो चीज़ें जो आपको प्लेयर करने में मदद करेगी, वो है कि आपकी इनफ स्ट्रेडल में स्ट्रेचिंग है, आप अच्छे तरीके से, ये आपकी स्ट्रेचिंग है। क्योंकि जो प्लेयर की मूवमेंट होती है उसमें आपको अपने पाँव जितने उसके खुले रखने होते हैं और फिर अपने पाँव हवा में ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी है तो आपको मदद करेगा अच्छे तरीके से एक स्मूथ प्लेयर दिखने में। और साथ में अगर आप हैंड स्टैंड कर सकते हैं, या फिर ऐसी अगर आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, वो भी आपको प्लेयर सीखने में मदद करेगा। क्योंकि प्लेयर में आपको अपने हाथों पे ही बैलेंस करना होता है, आपकी बॉडी आपके पाँव से पावर जनरेट करती है, आपके पाँव घूम रहे हैं ऐसे ऐसे और अपने हाथों से आपको बैलेंस करना होता है। तो अगर आपके इसलिए रिस्ट आपको अच्छे तरीके से वार्म अप करनी है और हैंड स्टैंड कर सकते हैं तो वो आपको मदद करेगा, या टक प्लैंच या प्लैंच ऐसी चीज़ें कर सकते हैं तो वो भी आपको और ज़्यादा मदद करेगा अच्छे तरीके से प्लेयर सीखने में। ज़रूरी नहीं है पर मदद करेगा। तो सबसे पहले वार्म अप, अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाते हैं स्ट्रेडल में, अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग, ताकि अच्छे तरीके से हम प्लेयर में अपने पाँव खोल सकें और एक कूल लुकिंग प्लेयर कर सकें। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कुछ बेसिक फ्लिप्स पहले ही कर सकता हूँ, बैक फ्लिप, बैक हैंड स्प्रिंग, ऐसी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैं ये फ्लिप्स कैसे शुरुआत करूँ, कि मैं कैसे सीख सकता हूँ ये फ्लिप्स। तो मुझे प्लेयर के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था कि कैसे करते हैं, कैसे आपके पाँव की मूवमेंट होनी चाहिए, क्या होता है। बस मैंने देखा था कि एक कूल लुकिंग एक्सरसाइज और मुझे ये सीखना था, मुझे घंटा नहीं पता था इसके बारे में, पर मुझे मन में था कि मुझे सीखना है। तो मैंने कुछ क्या किया, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू डू अ प्लेयर, और मैंने ट्यूटोरियल्स देखे 2-3, मुझे एक बेसिक आइडिया आ गया कि मुझे कैसे शुरुआत करनी है, और बस मैंने शुरुआत कर दी। बस ऐसे ही आप शुरुआत करते हैं। मेन जो ज़्यादातर लोग हैं कि जो ज़्यादा पूछते ही रहते हैं, अगर आप शुरुआत तो करें सबसे पहले, तब आप क्वेश्चन पूछें कि आपको किस चीज़ में गलतियाँ और उसे कैसे इम्प्रूव करें। जो ज़्यादातर लोग जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं वो शुरुआत ही नहीं करते कि हम हैंड स्टैंड की शुरुआत कैसे करें। ट्राई तो करो पहले, फिर देखो कि आपकी किस चीज़ में कमी है और फिर उसे इम्प्रूव करो। तो अब हम हो चुके अच्छे तरीके से वार्म अप, अब पहला अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है फ्लेयर। तो फ्लेयर की मूवमेंट में जो मैं जिन चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ बता रहा हूँ, ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, जिन चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आपका हाथ है आपको स्ट्रेट रखना है, ऐसा सोचना है कि आप अपने फ्लोर को पुश कर रहे हैं, जो मैंने सीखा है और वीडियो से और जिस वही मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और जिन चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा हूँ। मैं लेफ्ट हैंड से शुरुआत कर रहा हूँ और लेफ्ट पाँव मेरा से शुरुआत होगा। ये कौन सा मूवमेंट होगी, क्लॉक वाइज है शायद। तो आर्म को आपने पुश करना है, आपको आप फ्लोर को पुश कर रहे हैं आप, ऐसा सोचें। और जो आर्म खुले और जो आपका लेफ्ट लेग है ये स्वीप होके नीचे से आएगा, और जो आपका राइट लेग है ये ऊपर जाएगा हवा में, ये जितना हो सके उतना ऊपर, ये स्वीप होके नीचे और फिर ये दोबारा ऊपर और फिर ये नीचे। ये मूवमेंट है बेसिक, अपने पाँव से आप मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से घुमा रहे हैं और अपने हाथों से बैलेंस कर रहे हैं। तो इसी चीज़ में मैं गलती कर रहा हूँ कि मैं अपने पाँव से इनफ फोर्स जनरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर वो मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथों से बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, कहाँ गलती हो रही है। जैसा कि देखा कि मैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रहा, साथ में जो कॉमन प्रॉब्लम आती ही है कि साथ में मैं ये भी ध्यान रखूं कि मैं फ्लोर को पुश कर रहा हूं अपने हाथों से और मेरे लेग्स वाइड हैं ताकि अच्छी तरीके से मोमेंटम बने और इतना फोर्स जनरेट करूं, पर मैं दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर पा रहा कि मैं अपने आर्म्स को पुश भी करूं कि फ्लोर को पुश कर रहा हूं, लेग्स भी वाइड रख रहा हूं, जो कि धीरे धीरे ही सीखूंगा क्योंकि 2 हफ्ते ही हुए हैं
इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और साथ में जब मैं दूसरा हैंड प्लेस करता हूँ इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं ये मेरा हैंड थोड़ा वीक है, मेरे रिस्ट में भी इसमें काफ़ी पहले इंजरी हुई थी, तो ये मुझे ये आम मुझे राइट हैंड की रिस्ट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम देती है कुछ मोमेंट्स में, पुशअप से ऐसे मोमेंट में। तो इस मोमेंट में मैं अभी ये ध्यान नहीं रख पा रहा कि मुझे आर्म को अपने ऐसे ही पुश करते हुए आर्म्स को नीचे रखना है, और ये बार बार मेरा आर्म्स ये आर्म नीचे बेंड हो रहा है और मेरा फ्लेयर गिर रहा हूँ मैं फ्लेयर में। तो फ्लेयर जैसे कि बताए स्किल बेस्ड मूवमेंट ज़्यादा है बजाय कि स्ट्रेंथ बेस्ड, और इसके आपकी स्किल और आप स्किल कोई भी आप स्किल परफॉर्म करें आप उसमें तभी बेटर होते हैं जितना आप उसे ज़्यादा ट्रेन करेंगे। तो अगर कोई सीख रहा है तो बस आपको मेन प्रॉब्लम यही है कि आप एक मूवमेंट का अपना ध्यान रखें कि एक विजुअलाइजेशन करें कि वो आपको काफ़ी मदद करेगा कि आप पहले अपने दिमाग में बना के रखें एक इमेज कि आपको कैसे फ्लेयर परफॉर्म करनी है, कि आपके लेग्स कैसे जाएंगे, कि आपका जो लेफ्ट लेग है वो स्वीप होके आएगा, फिर आपको अपना राइट लेग ऊपर, फिर ये स्वीप जाएगा और फिर दोबारा अपना लेफ्ट लेग ऊपर, इतना ही ना फोर्स जनरेट करनी है, फिर आपका राइट लेग स्वीप होगा और आपको अपना हैंड सही से पुश करते हुए प्लेस रखना, और फिर आपका कंप्लीट फ्लेयर होगा। सबसे पहले एक ही सीख ले फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले एक ही सीख ले सही से। तो विजुअलाइजेशन आपको काफ़ी काम आ सकता है, जो मुझे भी काम आया है कि मुझे फ्लेयर कैसे करने के पहले सोच के रखें फ्लेयर कैसे करनी है। तो अब काफ़ी बातें हो चुकी, आप ट्राई ही करके देखते हैं, जितना ट्राई करेंगे उतना ही बेटर होंगे। मच नाइस, लगा तो ऐसा ही, अब वीडियो में देखते हैं बाद में कैसा होता है। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं फ्लेयर की, या फिर सीधा यहाँ से मैं ऐसे इसलिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मोमेंटम जनरेट हो। या फिर आप खड़े होके भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा आपको और अच्छी तरीके से मोमेंटम मिलता है कि अपना जो आपका स्वीप होगा वो लेग पहले आगे, इसे पीछे करना है, हाथ रखना है और फिर यहाँ से आपको मूवमेंट स्टार्ट करनी है, राइट लेग ऊपर लेफ्ट लेग स्वीप। Shit happens. Visualize. इस आर्म को रखने में प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इसे पुश करते हुए इस पे बैलेंस कर सकूं, और रिस्ट में भी प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेग से भी इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा कि वो हिप्स मेरे नीचे रह रहे हैं। ये आर्म हर बार साइड में जा रहे हैं, इसमें बैलेंस नहीं कर पा रहा है। थोड़ी देर म्यूजिक भी सुन लेते हैं, म्यूजिक के साथ साथ ट्राई करते हैं, बस लास्ट अटेम्प्ट है क्योंकि शाम को भी वर्कआउट करना है और ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा लगाऊँ, तो कुछ लास्ट के अटेम्प्ट देखते हैं कैसे होते हैं। गेटिंग बेटर, पहले से तो काफ़ी सही हो रहा है, पहले तो हर बार इस पोजिशन में गिरा था इतना आया था, गेट बेटर सोन इनफ। मेन में सब प्रॉब्लम यही आ रही है, मैं अपने राइट हैंड से सही से पुश करूं और इस पर भी पहले से बनाऊं, थोड़ा रिस्ट के लिए और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे पेन हो रहा है इसी। Last two attempts. Oh, last attempt. दोबारा ये एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं थी, मैं काफ़ी चीज़ें क्या था मैंने मिस भी कर दी हूँ,
क्योंकि एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं थी, जैसे कि बताया मैं खुद जो जिन चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ मैंने वो चीज़ें आपके साथ शेयर करी, और क्या पता मैं काफ़ी चीज़ों को अभी मिस कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ इसे। तो अगर आप सही से देखते हैं कितना टाइम और लगता है, और देखता रहूँगा कि मैं और किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ और दूसरी ट्यूटोरियल वीडियोज़ और ऐसे इम्प्रूव करते हैं आप और कैसे करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, इन चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा हूँ फ्लेयर करते टाइम, और टाइम के साथ ही आएगी, एक दिन में आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते, लगे रहो जो भी आप कोई भी ट्रिक सीख रहे हो इन चीज़ों की, धीरे धीरे आप आज सीख जाएंगे। आज 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे पूरे, आज आप देख सकते हैं मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई, मुझे लगता है 2 हफ्ते और लग जाएंगे और इतने आ ही जाएगी फ्लेयर। तो बस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और क्या सब्सक्राइब कर देना, और जो भी होता है। थैंक यू।